ऑल राइट right. तो प्रीवियस क्लास में मैं आपको कर्स ऑफ डायमेशनिटी था जो हमने कवर करा और कर्स ऑफ डायमेसनिटी में हमने ये पढ़ा कि यदि डायमेशंस ज़्यादा होते हैं डेटा आपका जो है फीचर्स जिसमें ज़्यादा होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में मेरे पास मॉडल की ओवरफिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं द रीज़न इज की फीचर्स जो हैं आपस में को रिलेटेड को लीनियर जो है हो सकते हैं होते हैं ठीक है तो दैट विल रिजल्ट टू एन ओवर फिटिंग ऑफ द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है मॉडल की ठीक है डेटा स्पर्सिटी भी होती है तो यदि हम उस समय एक्सपेक्ट करें मॉडल मुझे एक अच्छा रिजल्ट देगा तो ये चांसेस कम हो जाते हैं सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कर्स ऑफ डेमेटी ठीक है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्योंकि भाई रैंडम फॉरेस्ट तो डिसीजन ट्री से ही तो मिलकर बना हुआ है ओके दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करना चाह रहे हैं हम तो जो डिसीजन ट्री है Okay. ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम से जो है वो फेस करता है रैंडम फॉरेस्ट उसी ओवरफिटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए बनाया गया है इसका नाम फॉरेस्ट अल्गोरिदम होता ठीक क्योंकि डिसीजन ट्री से ही मिलकर बना है तो इसका नाम फॉरेस्ट अल्गोरिदम होता बट द पॉइंट इज द नेम ऑफ अलगोरिदम इज रैंडम फॉरेस्ट वो इसलिए रखा गया

या रो रिप्लेसमेंट जो भी है मैं इन टेक्निक को अपनाऊंगा ठीक और अपनी ट्रेनिंग करूंगा डेटा की अलग अलग डिसीजन ट्रीज होंगे मेरे पास ओके okay, और उनके बिहाफ में ही मेरा काम होगा फाइन दैट्स व्हाट द फॉरेस्ट डू तो क्लासिफिकेशन में यहां पर मेरे पास जो है आप देखते हैं देर इज अजोरिटी वोटिंग एंड इन केस ऑफ रिग्रेशन वी आर हैविंग

एंट्रोपी है इन्फॉर्मेशन गेन है ये क्राइटेरिया इनको लेकर काम करेगा। ठीक है रैंडम फॉरेस्ट डिस की तरह ही है तो उसी पर डिपेंडेंट है वो जैसा काम करेगा ठीक है दैट इज बीन परफॉर्म अंडर रैंडम फॉरेस्ट एट द एंड हम एवरेज ले, ले लेंगे या वोटिंग करवा लेंगे दट गोन Okay. तो डिसेंट्री की ही तरह काम करेगा बट दे आर वर्किंग एज एन इंडिविजुअल मॉडल्स पैरल इन नेचर और बैगिंग टेक्निक यहां पर काम करती है फॉरेस्ट इज बीन कंसिडर्ड एज मच मोर सक्सेसफुल अल्गोरिदम देन द ट्री ओके बिकॉज इट इज हैविंग डाइवर्स ट्रीज डाइवर्स मॉडल ओके एंड जो रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली हम उस पर जो है वो कह सकते हैं कि एक मॉडल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है इट्स एन अनसैंबल टेक्निक

So let me share my entire screen to talk more about this stuff. Okay. I have the points related to it. So decision tree is prone to overfitting. Especially when you are having a deep and complex data and model try to learn everything during training. that Okay. तो वो नॉइस भी सीख लेता है रैंडम फ्लक्चुएशन भी सीख लेता है ठीक है और बोलता है कि यस ऑल द रिलेशनशिप्स आर कवर्ड ये चीज हो रही है के अंदर, ठीक okay, है यू हैव सेड दैट देर इज अ क्राइटेरिया विच विल स्प्लिट अ ट्री ओके नोट्स बनते हैं ट्री स्प्लिट होते होते बनती चली जाती है ऑल राइट right, तो ट्री कैन ग्रो डीप तो किसको से स्प्लिटिंग क्राइटेरिया फॉलो करना है और तो कुछ यू एंड सो ट्री विल विल गो डीप ओके बिकॉज़ इट कवर द डेप्थ इट विल ट्राई टू कैप्चर ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट विच इज प्रेजेंट द ट्रेनिंग डेटा ठीक है ये हो गया दिस इज अ रीजन ये कॉम्प्लेक्सिटी है दिस इज अ रीजन दैट डिस इज ओवर फिटेड इन नेचर क्योंकि यदि आप कोई हाइपर पैरामीटर नहीं दे रहे। इफ यू नॉट गिविंग एनी तो चलती चली जाएगी एंड इट नॉइज भी है सब हैं ईच एंड एवरी ब्रांच विल बी कवर्ड पर्टिकुलर ब्रांच फ्रूट्स आर प्रेजेंट और वेदर फ्रूट्स आर नॉट प्रेजेंट वो तो सब कैप्चर कर लेगा और जब वो कैप्चर कर ला सारी चीजें ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्सिटी पड़ेगी लैक ऑफ प्रूनिंग ठीक है प्रूनिंग टेक्निक होती तो है ओके okay, बट अब हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच ब्रांच इज नॉट गिविंग अस द रिजल्ट्स दैट्स एन इश्यू ओके तो ट्री तो ग्रो करती चली जा रही है जब तक वो डेटा फिट मतलब प्रॉपरली पूरा जो है एक्सप्लोरेशन नहीं हो जाता अब उसको अंदर कोई समझाए कि देख भाई डोंट गो ऑन this पर्टिकुलर पाथ आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रांच ये कौन समझाएगा उसको वो तो अपना काम करते चले जा रहा है ठीक है दट इज एन इशू फाइन यदि वो ऐसी ब्रांचेस पे ना जाए जहां पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो प्रूनिंग होगी ओके दट इज द जनरलाइजेशन ओके तो ये कैसे क्या समझाया जाए फिर नॉइस हमने क्या कहा डिसीजन ट्री कैन स्प्लिट ऑन नॉइजी फीचर उसको तो स्प्लिट करना है भाई किसी डेटा पॉइंट पर यदि वो क्राइटेरिया मैच कर गया तो तो स्प्लिट कर देगा ओके okay, अब वो एनी डिफॉल्ट पॉइंट विच इज बीन रॉन्ग बट इट हैज बीन कंसिडर्ड अंडर स्प्लिटिंग क्राइटेरिया लेकिन अनसिन डेटा पर यही चीज दिक्कत दे देगी So, is to the noise. So, small data set, तो डिसीजन ट्री सेंसिटिव टू द नॉइज स्मॉल डेटा सेट तो भैया आप मान के चलो दैट इज नॉट इनफ स्मॉल डेटा सेट पे तो 100 परसेंट एक्यूरेसी देता है जैसे इरीज सीरीज पे तो 100 परसेंट आती है एक्यूरेसी क्योंकि वी आर हैविंग ओनली 150 फिफ्टी इंट्रीज ईयर तो डिसीजन ट्री को सॉल्व करना है तो डेटा बड़ा होना चाहिए ठीक है हाई वेरियंस डिसीजन ट्री हैज हाई वेरियंस मीनिंग दे आर सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन द ट्रेनिंग डेटा ठीक है दैट मीन्स दे कैन लीड टू ओवर फिटिंग ऑफ द मॉडल बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स मॉडल बिकम कॉम्प्लेक्स तो कोई यदि आपसे पूछे चलो बताओ कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है मॉडल में वाय कॉम्प्लेक्सिटी डेटा पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग को रिफर कर रहा है हम ये कह रहे हैं कि डिसीजन ट्री इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर एज मच एज पॉसिबल सो इट इज रीचिंग every point which is present in the data because it is reaching every point which is present in the data the complexity has been increased it is trying to find every pattern in the data and it may contain unnecessary pattern also unnecessary point है, noise है, outlier ऐसी ब्रांच पे भी वो जा रहा है जहां पे कोई फ्रूट्स ही नहीं है भाई मैं ट्री पे हूं तो मैं तो वही डिस्कवर करूंगा ना जहां पर फ्रूट्स पेड़ पत्ती थोड़ी ना खानी ठीक है तो वहां पर भी जा रहा है वो तो हर पॉइंट पे जा रहा है ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है इसी चक्कर में वेरियंस हाई वेरियंस ठीक तो इन ऑर्डर टू टैकल द दिटिंग ऑफ द डिसीजन ट्री वी इंट्रोड्यूसड रैंडम फॉरेस्ट ओके कि डेटा के सैंपल कर करके दो और ये लफड़ों से बचो ठीक तो प्रूनिंग करो लिमिटेड ग्रोथ करो ट्री की पूरी पूरी ग्रोथ नहीं करना तो व्यार है पैरामीटर व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ हम चाहते हैं कि जाए सैंपल लीफ मिनिमम सैंपल पर लीफ हाउ मेनी सैंपल्स वी वांट टू गिव एटलीस्ट वन सैंपल होना चाहिए टू सैंपल होना चाहिए कितना चाहिए दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल टू बी प्रेजेंट एट ईच लीफ नोड टू प्रिवेंट द ट्री फॉर फर्दर स्प्लिटिंग यदि आपने दो सैंपल दिए या तीन दो ज्यादा सैंपल्स से, हैं ठीक है तो ऐसा ना हो कि फर्दर स्प्लिटिंग पे आ जाए वो अभी भी उसके अंदर इंप्यूरिटी रहे और वो स्प्लिट करने के लिए चले जाए तो वी से आउटकम जो है लीफ पर वन सैंपल आ जाता है बाय डिफॉल्ट वन है फीचर सिलेक्शन ओके लिमिटेड नंबर ऑफ फीचर कंसीडर फॉर स्प्लिटिंग एंड प्रिवेंट द मॉडल फ्रॉम फिटिंग नॉइस इन द डेटा ठीक है फीचर सिलेक्शन ये करो आप ओके okay, तो को रिलेशन मेट्रिक यू कैन मेक एंड फीचर्स दोच आर हाईली कोरिलेलेटेड विद ईच अदर यू कैन ड्रॉप दोज फीचर्स जस्ट कंसिडर ओनली विच आर लीस्ट कोरिलेलेटेड उनको ले लो आप ठीक है ऐसा करें यह भी एक अच्छा तरीका है क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है ओके मल्टीपल सबसेट्स द डेटा लें और आइडेंटिफाई करें ठीक है विच फीचर्स आर बेटर फॉर अस या किस आ, जो है हमारे पास हाइपर पैरामीटर्स पे मुझे अच्छा स्कोर मिल रहा है ओके okay, तो क्रॉस वैलिडेशन वी कैन डू ठीक ये सारे टेक्निक्स हैं जो कि ओवरफिटिंग से बचाएंगे दैट्स वाई ना द पॉइंट ओवरफिटिंग इज केम मल्टीपल टाइम्स क्यू डिस्क एंट्री ओवरफिटेड होता है ओवरफिटेड होता है तो वो कॉम्प्लेक्सिटी में जो है अचीव कर लेता है क्यों वो अपने आप को एक्सप्लोर कर लेता है पूरा उसको रोकना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है आपको ठीक अब फिर देयर इज वन मोर पॉइंट बायस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ दिस इज आल्सो बीन प्रेजेंट ओके इन द प्रीवियस लेक्चर आया था ठीक और अभी हाई वेरिएंस भी आ गया ना डिस के अंदर दैट इट इज हैविंग हाई वेरिएंस ओके तो भाई बायस इन वेरियंस ट्रेड ऑफ का लफड़ा क्या है बायस का मतलब होता है एरर ओके इन वेरियंस मीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा ठीक है ये मतलब होता है तो बायस जो है इट इज इंट्रोड्यूस बाय अप्रोक्सीमेटिंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम विद्प्लीफाइड मॉडल दैट मीनस मॉडल विद हाई बायस मेक स्ट्रॉग एजम्स अब बायस यानी कि एरर मेरा मॉडल प्रिडिक्शन देता है रियलिटी में या एक्चुअल डेटा का आउटपुट कुछ और है माय मॉडल गेव अ प्रिडिक्शन दोनों मैच नहीं कर रहे हैं डिफरेंस दोनों में ज्यादा है तो बायस बढ़ गया ओके द बायस इंक्रीज्ड फाइन सो क्या हुआ हाई बायस यदि मेरा मॉडल प्रिडिक्शन सही नहीं दे रहा बायस इज मोर सो ऑब्वियसली माई मॉडल इज अंडर लीड टू अंडर फिटिंग दैट मीन मॉडल इज फेल्ड टू कैप्चर द रिलेशनशिप और द पैटर्न्स इन द डेटा तभी तो वो जो आउटपुट दे रहा है द प्रिडिक्शन विच द मॉडल इज गिविंग वो रॉन्ग है तो बायस क्या है इट्स डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द वैल्यू। हाई बायस मीन्स क्योंकि बायस एरर होता है ठीक तो हाई बायस मीन्स यू आर गेटिंग ठीक है तो लीनियर रिग्रेशन का केस में वही मैं बोल चुका हूं आपसे वहां एमएससी निकालते हो ना आप मीन स्क्वायर एरर ओके तो एरर ज्यादा इसका मतलब फ्लक्चुएशन आ रहा है डेटा मतलब पॉइंट में वो कहीं और है और एक्चुअल कहीं और ठीक Now variance Ab kya hua? variance measure the model sensitivity to small fluctuations in the training data. apne change the data. small changes in the data also may fluctuate the results in a model that is called as a variance. Okay so so models with high variance are highly flexible. कैप्चर कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन द ट्रेनिंग डेटा इंक्लूडिंग नॉइस एंडम्छा इसका मतलब क्या हुआ मॉडल आपके पास डेटा में यू आर हैविंग फीचर विच आर है डेटा पॉइंट जो है उस फीचर के वो काफी फैले हुए ओके okay. क्या मतलब हुआ है? है इसका इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके समझा जाए व्हाट इट मीन हाई वेरिएंस व्हाट वेरियंट इट मीन सी आपके पास डेटा है ठीक है दिस इज योर डेटा सेट अस कंसीडर एनी ऑफ द फीचर प्रेजेंट इन द डेटा सेट अस कंसीडर एनी ऑफ द फीचर व्हिच इज प्रेजेंट इन द डेटा सेट ओके आई एम कंसिडरिंग दिस फीचर And I am having the entries present here in this feature. Okay. So let us assume it is having a high variance. That means if I am going to plot the feature X. Okay. So the points are present very, very far away. So the distribution is more. A variance hota kya hai? By statistics, may Variance vary. So how it is varying? Aap kya karte you calculate the mean of the data points for that feature. mean You calculate the mean of the data points. Okay. So, mean. Okay. And if you subtract mean from each and every data point, this is called as variance. So, x minus x bar.

फार अवे पॉइंट्स हैं किसी भी डेटा में किसी फीचर में फार अवे पॉइंट्स आर देयर यह बात तो पक्की पकड़ लो कि वह आउट लायर या नॉइस लेकर बैठा हुआ ठीक है क्योंकि यदि पॉइंट्स कंसेंट्रेटेड होते तो उनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता बट इन अ डेटा इफ द पॉइंट्स आर अबिट फार अवे ओके जैसे कि मैं स्पीड की बात करूं You are driving a vehicle, so you are driving on a speed of 40 km 45 km 50 km That means, certainly this is the speed which you do follow every day. 47, 49. तो मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊँगा मेरे को चलेगा. These are closer. Now, if you are having speed as 85, तो आप यदि इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करो. तो 85 वाला तो बहुत दूर पॉइंट आ गया ओके okay, 85 विल बी लाइंग फार अवे फ्रॉम ओके तो भाई ये सीधी सी बात है मेरे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में आउटलायर होगा ये, या मैं कहूंगा नॉइस क्वालिटी एंट्री गलती से हो गई ओके okay, अब ये कह रहे हैं कि डिसीजन ट्री क्या करता है वो चाहे तुम्हारा नॉइस हो चाहे नॉइस ना हो वो तो पकड़ेगा वो इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लोर करेगा उसको कोई रोकने वाला नहीं इट विल एक्सप्लोर दीज पॉइंट ऑल्सो वो जाएगा यहां पर भी तो हमने ऊपर कहा कि मॉडल ने कॉम्प्लेक्सिटी है मॉडल में कॉम्प्लेक्सिटी मॉडल इज कॉम्प्लेक्स वाई बिकॉज इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट प्रेजेंट इन द डेटा सेट ठीक है उस फीचर के सारे पॉइंट को पकड़ेगा वो अब इसमें नॉइज है आउटलायर है ठीक उनका वेरियंस ज्यादा है वेरियंस इज हाई तो इफ द वेरियंस इज हाई आपने कहा मॉडल ओवर है क्योंकि रियल लाइफ में यदि आप देखें यदि आप अनसीन डेटा दो तो उसमें यह वाला केस फॉलो नहीं होगा ओके okay, नहीं होगा नहीं होगा तो भाई मेरा मॉडल ट्रेनिंग में तो अच्छी एक्यूरेसी देगा टेस्टिंग में एक्यूरेसी कम हो जाएगी उसकी इट विल डिप सो मॉडल इज ओवर तो हमने दो केसेस के बारे में यहां देख रहे हैं तो अंडर फिटेड है वेरियंस में यह कह रहे हैं कि यदि हाई वेरियंस है तो मॉडल ओवर फिटेड है यानी वो ट्रेनिंग पे तो बहुत अच्छा स्कोर दे रहा टेस्टिंग पे फेल हो रहा है ओके okay, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ओनली

ठीक है, दोनों में कम डिफरेंस होता है तो लो बायस और लो बायस यानी भाई मेरा मॉडल इज वर्किंग गुड वी आर दैट इट इज वर्किंग गुड इट इज कैप्चरिंग ऑल द रिलेशनशिप ठीक है ऐसा हमने बोला सब कर रहा है लेकिन ये ऐसी स्थिति में ओवरफिटेड भी हो सकता है दैट इज अ चांस ऑफ ओवरफिटिंग तो भाई मेरे क्या था बायस और वेरियंस में ट्रेड ऑफ होता है ठीक तो बायस और वेरियंस ट्रेड ऑफ क्या बताता है बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ अराइसिस बिकॉज डिक्रीजिंग बायस एरर कम करोगे तो वेरियंस बढ़ेगा है ना एरर कम करोगे तो वेरियंस बढ़ेगा ठीक है दैट मीनस आप सारे पॉइंट्स को कैप्चर कर रहे हो क्योंकि एरर कम करोगे तो वो वाले पॉइंटों को हटाओगे जो मेरे दूर दूर थे है ना तो अच्छा दूर दूर से नहीं इसको ऐसा समझे क्या कह रहे हैं डिक्रीजिंग द बायस दैट मीनस रिड्यूसिंग द एरर दैट मीनस कंसिडरिंग पॉइंट उनको हटा नहीं रहे उनको कंसिडर कर रहे वी आर कंसिडरिंग सो वेरियस इनक्रीज हुआ और वेरियस डिक्रीज हुआ यदि वेरियंस डिक्रीज हुआ तो बायस बढ़ गया क्यों क्योंकि यू आर इन दिस पर्टिकुलर केस नॉट कंसीडरिंग डेटा पॉइंट्स उनको कंसीडर नहीं कर रहे हो आप उन डेटा पॉइंट्स को ठीक है क्योंकि उन डेटा पॉइंट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हो तो भाई बायस बढ़ रहा है ओके okay, तो रिड्यूसिंग द वेरिएंस इंक्रीजिंग द बायस ये चीजें हैं नहीं समझ में आया तो मुझे रोक लेना पूछ लेना मुझसे और ये केस बन रहा है हाई बायस लो वेरिएंस दैट मींस इफ एरर इज मोर वेरियंस इज लेस दैट मींस मॉडल्स विद हाई बायस एंड लो वेरियंस आर सिंपल ठीक है टेन टू दे टेन टू अंडर फिट यहां पर अंडर फिटिंग होती है मॉडल की बिकॉज ड्यूरिंग ट्रेनिंग ओनली मुझे रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही नहीं मिलते क्योंकि बायस ज्यादा ना एरर ज्यादा है एरर ज्यादा है क्यों एरर ज्यादा आया एरर ज्यादा क्यों आया क्योंकि तुमने सारे डेटा पॉइंट पकड़े ही नहीं लो वेरियंस ठीक है लो वेरियंस था तो बायस ज्यादा था फिर लो बायस हाई वेरिएंस का मतलब एरर कम है ठीक है एरर इसलेस एंड एंड यू हैव कैप्चर्ड एवरी पैटर्न इन द ट्रेनिंग डेटा तो सबको पकड़ लिया एवरी पॉइंट यू हैव कंसीडर्ड जो काम के थे जो काम के नहीं थे तो उन्हें सब पकड़ लिया ठीक है चलो बेटा आ जाओ हम हम सबको कंसीडर कर रहे हैं तो एरर तो कम आया वेरिएंस बढ़ गया ओके वेरिएंस इंक्रीज सो ये ओवरफिटिंग पे चला गया दिस इश्यू इज कॉल्ड इज ओवर फिटिंग तो मुझे बायस कम करना है उतना भी कम नहीं करना वेरियंस मुझे बढ़ाना है उतना भी नहीं बढ़ाना ओके दट्स वॉट आई नीड टू फॉलो इन द अप्रोच ऑफ बायस एंड वेरियंस ट्रेड ऑफ ओके दट्स अ डील ओके इस बात का मुझे ध्यान रखना है फाइन तो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए ओके okay, इससे क्या समझ में आया वट वी लर्न फ्रॉम दिस बायस एंड वेरियंस स्टेट ऑफ किसी को बड़े प्यार से समझाना बड़े प्यार से और क्या बोलना देखिए ये शुरुआत कहां से हुई मेरी कि डिसीजन ओवर फिटेड था क्यों था कॉम्प्लेक्सिटी के कारण कॉम्प्लेक्स वाई कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज इट इज कैप्चरिंग ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट प्रेजेंट ठीक है सबको कैप्चर कर रहा था तो नॉइस और आउटलायर उनको भी कैप्चर कर रहा था दैट मीन वेरियंस हाई था इट द वेरियंस ऑफ द फीचर डेटा ही नहीं ना वो तो कह रहा भैया मैं तो सबको पकड़ रहा हूं। उसको सब डेटा पॉइंट मिल गए उसने सारे पैटर्न पकड़ लिए जब जब सारे पैटर्न पकड़ में आ गए तो एरर कहां से आएगा वो कॉन्फिडेंट हो गया यस आई कैन लर्न एवरीथिंग तो यहां क्या हुआ लो बायस हाई वेरिएंस ये हुआ अब आपने बोला चल रुक अभी बताते हैं आपने वेरिएंस कम कर दिया यू रिड्यूस द वेरिएंस वेरिएंस कम हुआ सारे डेटा पॉइंट पकड़ में नहीं आ रहे एरर बढ़ गया एरर इंक्रीज हो गया वेरिएंस लो हुआ एरर इंक्रीज हो गया तो मॉडल अंडरफिटेड हो गया ठीक है क्योंकि एरर ज्यादा आ रहे थे तो मतलब मॉडल इज अनेबल टू कैप्चर द रिलेशनशिप इन अ डेटा तो हमने बोला ये तो अंडरफिटेड मॉडल है ये तो कोई काम कहीं नहीं है एक्यूरेसी कम आ रही है इसको नहीं रख सकते अपन तो क्या करें व्हाट इज द सॉल्यूशन आपको मॉडल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है दैट इज वन ऑफ द केस मॉडल शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स शुड नॉट कॉम्प्लेक्स ठीक है एंड मॉडल को इतना मतलब इतना भी सिंपल नहीं बनाना है कि वो कुछ भी समझ ना पाए ये ये क्या है जहां पर बोला ना इसने एक पॉइंट क्या बोला था एक पॉइंट हाई बायस लो वेरिएंस का मतलब भैया मॉडल जो है बहुत ही सिंपल है ठीक है दैट मींस अंडरफिटिंग हो गया हाई बायस एंड लो वेरिएंस आर सिंपल मॉडल्स ये बड़े सिंपल मॉडल हैं इनको समझ अमज पड़ती नहीं है इतनी ठीक है यदि कॉम्प्लेक्स मॉडल कोई पूछे कॉम्प्लेक्स मॉडल और सिंपल मॉडल क्या होते हैं आप बोलोगे अभी अभी ये भी बताता हूं रुक रुक उसको बोलना सिंपल मॉडल दैट मीन्स माई मॉडल इज अनेबल टू कैप्चर द दैटर्न इन द डेटा दैट्स इट इज सिंपल कॉम्प्लेक्स का मतलब उसने सब कुछ पकड़ लिया एवरी पैटर्न इट इट इज क्लेमिंग दैट आई अंडरस्टूड एवरीथिंग इसको मैं बाइजस और वेरियंस से समझाऊंगा उसको ये पूरा समझा देना क्या होता है ठीक ऑल राइट तो सिंपल मॉडल भी नहीं होना चाहिए कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए बीच का एवरेज मॉडल होना चाहिए ओके okay, तो वी आर वी आर जो है एक्सेप्टिंग एरर्स हम थोड़े तो एरर मान के चलते हैं है ना कभी मॉडल की एक्यूरेसी हंड्रेड परसेंट नहीं होती ओके वी से हाँ नाइनटी फोर इज अ गुड स्कोर नाइन्टी फोर परसेंट सिक्स परसेंट का चांस तो हम लेंगे लेंगे एरर में कोई इशू नहीं है ऑल राइट right. हंड्रेड 100% मॉडल एक्यूरेसी कभी हम अचीव नहीं करते ये ये होती भी नहीं है ठीक है, means, है। तो ये मुझे थी। क्योंकि वो बार बार आ रहा था आपको बेस तो पता हो कि रैंडम फॉरेस्ट आया क्यों उसको सपना आ रहा था कि वो सबसेट ऑफ द डेटा लेगा वो ये सब रीजन बने हैं उसके की फेल कहा हुआ क्या होती है बायोस वेरियंस ट्रेड ऑफ क्या होता है ठीक है इसलिए मुझे समझाना पड़ा ये अलग से ठीक आगे बढ़ते हैं नाउ पॉइंट ओके वी गॉट टू नो अबाउट दीज थिंग्स ठीक अब हाइपर पैरामीटर की बात कर लेते हैं रैंडम फॉरेस्ट के अंदर सो आई एम अवेलेबल विद आई एम अवेलेबल हाइपर पैरामीटर्स इन द रेंडम फॉरेस्ट दिस इज द एसकेल वेबसाइट इसी से ही बताऊंगा ओके okay. फाइन तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एसकेलर्न जहां पर रेंडम फॉरेस्ट के बारे में दे रखा है रेंडम फॉरेस्ट जो है इसके ये हाइपर पैरामीटर नंबर ऑफ एस्टिमेटर पहला हाइपर पैरामीटर एस्टिमेटर मतलब नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज ओके दैट इज कॉल्ड एज एन एस्टिमेटर बाय डिफॉल्ट हंड्रेड डिसीजन ट्री होती है इफ यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग इन अ रैंडम फॉरेस्ट तो वो हंड्रेड डिसीजन ट्री तो लेके चलता आपको देना है आप दे दो कितनी ट्री देना है टेन फिफ्टीन ट्वेंटी वॉट एवर एस्टिमेटर एन ए ट्री क्राइटेरिया अब वो ट्री है तो क्राइटेरिया इट विल फॉलो ना फॉर द स्प्लिटिंग ओके सो इट कैन टेक जिनी एंट्रोपी या लॉग लॉस ये क्रॉस एंट्रोपी होती है भाई ठीक है तो ये है एंट्रोपी ये क्रॉस एंट्रोपी और ये जीनी ये पता ही है वन माइनस समीशन पी आई ये होता पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स ये होगा पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स ठीक है तो ये क्राइटेरिया है स्प्लिट करने के तो क्लासिफिकेशन में तो भाई यही तो क्राइटेरिया होते हैं पढ़ रखे हैं सब किस लेवल तक लेकर जानी है मैक्सिमम डेप्थ तो वो ट्री में भी था ना डेप्थ वाला फंडा यहां भी फंडा है ओके okay. कितने डेप्थ तक लेकर जानी है और अभी आपने समझ लिया डेप्थ वाला बात यदि इफ यू मेक द ट्री टू एक्सप्लोर देन देन कंप्लीटलीसली इट विल कैप्चर द नॉइस ऑल्सो एंड इट विल कैप्चर द आउटलायर एंड एवरीथिंग इट विल डू सो आई डोंट वॉन्ट माई ट्री टू कैप्चर दोज थिंग्स ऑल राइट right, तो भाई डेप्थ तो डिफाइन कर दो कहां तक जाना है और रैंडम फॉरेस्ट में हंड्रेड ट्री हैं और डेटा बहुत बड़ा है तो बहुत टाइम लगेगा सॉल्व होने में इसलिए बेटर यह है कि डेप्थ डिफाइन करके चलो और आप क्वेश्चन पूछोगे सर कितनी दे दें हाउ मच डेप्थ आई कैन गिव तो तो भाई सब्जेक्ट टू योर एक्सपेरिमेंट है आप टेन दे कर देखो फाइव दे कर देखो फिफ्टीन दे कर देखो depth. किस पे अच्छा स्कोर आ रहा है उसको सेलेक्ट करो नहीं तो ट्यूनिंग करो यू कैन डू हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग

कंट्रोल करना चाह रहे हैं वेरिएंस को ताकि जो है यू शुड नॉट गेट द ओवरफिटेड एम ऑडिबल एम ऑडिबल ओकेस यस सो यू नो वट यू टोल्ड ना कि आप डिप्थ डिफाइन करने से क्या हो रहा है डेफिनेटली मैं ओवर फिटिंग से बचाना चाह रहा हूँ डिस एंट्री को आई डोंट वॉन्ट इट टू एक्सप्लोर इट फर्दर कंप्लीटली मैं नहीं चाहता इसलिए मैं यहां पर ये दे रहा हूं कि जो है डेप्थ कितनी होना चाहिए एंड नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड फॉर द स्प्लिटिंग कम से कम टू सैंपल हो तो स्प्लिट हो एक सैंपल को क्या स्प्लिट करेगा भाई एक के टुकड़े आधे आधे तो करूंगा नहीं ओके सो मिनिमम टू एंट्री होनी चाहिए देन इट विल स्प्लिट ओके दैट इज द केस ओके फाइन ठीक है देन मिनिमम सैंपल्स लीफ लीफ पर कितना आपको सैंपल्स होना चाहिए तो लीफ पर हम आउटकम दिखाते हैं रिजल्ट दिखाते हैं लीफ पर ओके okay, तो वन वन सैंपल इज इनफ है ना बाय डिफॉल्ट वन ही होता है ओके okay, तो वन आपका रिजल्ट आ जाए दैट इज ओके ठीक आउटकम दिखाना है मुझे तो दिस रिप्रेजेंट मिनिमम सैंपल लीफ नेक्स्ट है आपका जो इंपॉर्टेंट फीचर मैक्स

और हमने ये पढ़ा है कि रैंडम फॉरेस्ट विल नॉट गोइंग टू कंसिडर ऑल वो सबको नहीं लेगा रेदर इट विल कंसिडर आइदर सिक्स और फाइव और फोर समथिंग नंबर ऑफ फीचर्स एंड इट विल सबमिट इट टू द डिसीजन ट्री फॉर द ट्रेनिंग पर्पस वो ऐसा करता है ये वही कह रहा है कि आप जो है कितने फीचर लोगे फॉर ट्रेनिंग हाउ मच यू वॉन्ट तो ये क्राइटेरिया है स्क्वायर रूट लॉग या नन यानी कि यू विल टेक द स्कवाने आपके पास टेन फीचर थे आपने उसका स्क्वायर रूट करा फॉर एग्जाम्पल यू गेट द रिजल्ट एस फोर फॉर एग्जाम्पल फोर आया आपका रिजल्ट तो आप फोर फीचर लोगे ट्रेनिंग के लिए नॉट टेन यदि आप लॉग ले रहे हो तो लॉग ऑफ टेन करो जो भी रिजल्ट आ रहा है उतने नंबर ऑफ फीचर्स लोगे आप ट्रेनिंग के लिए यदि आप नन कर रहे हो, दैट मीन्स आप सारे फीचर फॉर ट्रेनिंग ये लोगे आप बाय डिफॉल्ट एसक्यू आर टी होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स यू हैव टू टेक फॉर द ट्रेनिंग ये होता है मैक्स फीचर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हाइपर पैरामीटर इन द रैंडम फॉरेस्ट ठीक सो द नंबर ऑफ फीचर्स यू आर कंसिडरिंग फॉर द बेस्ट स्प्लिट ये होता है देन मैक्सिमम लीफ ओके कितने जो है बेस्ट नोट्स आर डिफाइंड एज रिलेटिव रिडक्शन इन द इंप्यूरिटी इफ नन देन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लीव नोट हम तो एक ही ले रहे थे ओके वन वन इज इनफ ठीक बूट स्ट्रैपिंग है यह हमें पता है ओके okay, हम सैंपलिंग करते हैं डेटा की तो देट इज द बूट स्ट्रैपिंग बाई डिफॉल्ट ट्रू होता है है ना यानी आप सैंपल करो ऑल राइट दैट इज कॉल्ड एज अ बूट स्ट्रैपिंग ऑल राइट ठीक है तो इसी तरीके से तो मैं अपने सैंपल्स क्रिएट करता हूं बूट स्ट्रैपिंग से ये पहला स्टेप ही रडनम फॉरेस्ट का नेक्स्ट इज ओ बी सर यू आर नॉट ऑडिबल आई एम ऑडिबल और नॉट आई एम ऑडिबल ओके सो वी लॉस्ट यू सर वी लॉस्ट यू फॉर फ्यू सेकंड्स ओके ओके सो आई वाज सेइंग दैट कि ये वाला पार्ट आई टोल्ड कि की मैग्जिम फीचर्स हाउ मच यू रिक्वायर फॉर द ट्रेनिंग अप्लाई स्क्वायर रूट और लॉग ओके इससे आप निकाल सकते हो कितने फीचर जो है आपको चाहिए Then I was saying कि leaf node one आपने कहा ठीक है जहां पर रिजल्ट दिखाते हैं तो वन होता है वन होना चाहिए ठीक है मिनिमम वन है यह वाली बात हो गई देन आई वॉज टॉकिंग अब द बूट स्ट्रैप तो यही टेक्निक तो मैं फॉलो करता हूँ सब सैम्पलिंग वाली जो अपने डेटा को सैंपल्स में डिवाइड करता हूं तो बेड डिफॉल्टे बूट स्ट्रैपिंग ट्रू है मेरे रैंडम फॉरेस्ट के अंदर ठीक उसके बाद है स्कोर आउट ऑफ द बैग सैंपल्स अब ये क्या है मैं अभी आपको कुछ देर में बताने वाला हूँ वॉट इज आउट ऑफ द बैग ठीक है ये क्या होता है थोड़ा सा टाइम दे, दे दीजिए मुझे मैं बताता हूँ आपको क्या है उसके बाद है एन जॉब्स एन जॉब्स का मतलब ये है देखिए क्या होता है कि आपका मॉडल में रैंडम फॉरेस्ट में वी आर हैविंग मल्टीपल डिसीजन ट्रीज ओके एंड इन सबको सॉल्व वो होना है फाइन अब आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं हाउ मेनी रिसोर्सेज यू आर हैविंग टू सॉल्व इट आई थिंक आई डिड डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन द प्रीवियस क्लास कि रैंडम फॉरेस्ट में हंड्रेड डिसीजन ट्रीज हैं और आपके पास आई फाइव या आई सेवन है उसमें कितने कोर्स हैं फॉर एग्जाम्पल टू कोर हैं यदि टू कोर हैं तो ये जो है जॉब सबमिट करोगे आप इनको दोनों को इन टू कोर्स को सबमिट करोगे आप जॉब तो ये एक एक ऐसे सॉल्व कर रहे पैरेलल प्रोसेसिंग वाली बात है ओके इट्स लाइक अ पैरेलल प्रोसेसिंग तो एन जॉब्स का मतलब यह है एन जॉब्स दैट मींस आई नीड टू सॉल्व द रैंडम फॉरेस्ट एस आई विल बी डूइंग पैरेलल प्रोसेसिंग ओके सो यहाँ क्या होता है यदि आप एनजॉब्स इक्वल टू माइनस वन देते हो सो इट विल टेक ऑल द कोर्स इट विल टेक ऑल द कोर्स विच आर अवेलेबल इन योर मशीन टू सॉल्व द अल्गोरिदम ठीक है यदि टू कोर है फोर कोर है एट कोर है जितने भी कोर्स हैं आपके पास जितने भी प्रोसेसर अवेलेबल हैं आपके पास वो सबको उठा लेगा और उन पे पैरेलल प्रोसेसिंग करवाएगा क्योंकि यदि आप एक कोर पे काम करोगे ठीक है तो टाइम लगेगा सॉल्व होने में ऐसी स्थिति में आप सारे कोर्स को उठा लो तो जब इस प्रकार की अल्गोरिदम आती है जहां पर अनसैंबलिंग होती है ये राइडो फॉरेस्ट अनसैंबल है ठीक है तो आप कोशिश ये करें कि एन जॉब्स इक्वल टू माइनस वन कर दें ठीक है यही मीनिंग होता है द नंबर ऑफ जॉब्स टू रन पैरल दैट्स वॉट आई वॉन्ट तो सारे कोर उठा लो और उसको माइनस वन कर दो एन जॉब्स इक्वल टू माइनस वन दैट मीन ऑल द प्रोसेसर विल बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ये हम काम करेंगे बस इतने ही कुछ ऐसे जो हमारे हाइपर पैरामीटर हैं वो इंपॉर्टेंट है बाकी रैंडम स्टेट हम यूज करते हैं वो रैंडम सिलेक्शन ऑफ द डेटा कंट्रोल द रैंडमनेस ऑफ द बूट स्ट्रिपिंग सैंपल कौन कौन से उठाओगे आप ठीक है तो फोर्टी वन देते हैं कभी फोर्टी टू देते हैं द इट्स अ सैम्पलिंग टेक्निक है ना रैंडम स्टेट इट्स अ सैंपलिंग टेक्निक टू सेलेक्टेड डेटा पॉइंट हर अलगोरदम के अंदर होती है हम देते हैं बाकी और कोई फीचर मुझे नहीं लगता या फीचर बोले या इंपॉर्टेंस की बात करूं मैं ठीक तो नहीं लग रहा मुझे ये अल्फा वगैरह ये जो है मुझे लग रहा आ, है ऐसा रेगुलराइजेशन टेक्निक है ठीक है ऑल राइट फाइन बाकी हर एक अल्गोरिदम के अंदर यू मे हैव टेन टू फिफ्टीन हाइपर पैरामीटर लेकिन उसमें से चार या पांच इंपॉर्टेंट होते हैं सो हमें उन्हीं पर फोकस करना है तो जैसे हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ एस्टिमेटर है क्राइटेरिया है डेप्थ है मिनिमम स्प्लिट है

यदि मैं रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन की एस लर्न की ऑफिशियल वेबसाइट पिकअप करूंगा सो द ओनली चेंज विच इट विल ब्रिंग इज द क्राइटेरिया फॉर सॉल्विंग दैट मींस वो यहां पर एमएससी वगैरह ले लेगा ओके यस सर आज द क्वेश्चन सर जैसे हाइपर पैरामीटर की हमने बात की आपने तो ये हाइपर पैरामीटर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जैसे बहुत से वेरिएबल्स मीन वेरिएंस हाँ हाँ यार, learning rate, weight, इस टाइप से लेते हैं तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि किसे हमें hyper parameter consider करना है देखिए सॉल्यूशन हाउ अ रैंडम फॉरेस्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम ये बताएगा आपको ये डिसाइड करवाएगा कि हाइपर पैरामीटर कौन से लेना है ठीक है तो सर देखिए मैंने क्यों बोला नंबर ऑफ एस्टिमेटर इंपॉर्टेंट है बिकॉज रन अरेस्ट इज मेड अपट डिसीजन तो कितने डिसीजन आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को यह इंपॉर्टेंट हो गया बाई डिफॉल्ट हंड्रेड होते हैं आपको इतने नहीं चाहिए तो आप टेन ले लो फिफ्टीन ले लो ट्वेंटी ले लो फिफ्टी ले लो ये इंपॉर्टेंट हो गया अब कौन सा क्राइटेरिया यह इस्तेमाल करते हैं सोल्व करने के लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो गया तो जिन्ही ले लो इंटर ले लो तो दो तो फिक्स हो गए तीसरा यह है भाई ओवरफिटिंग से बचने के लिए डेप्थ किस लेवल तक जाना है ट्री को तो फाइव ले लो या टेन डेप्थ ले लो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया तो सर सॉल्यूशन सॉल्यूशन के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं और मैं उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे को रिजल्ट ना दे वंस विच आर नॉट गिविंग मी द प्रॉपर रिजल्ट ओके अब बबन सर ने कुछ और एक लिंक शेयर करी है ग्रिड सर्च वाली करी है इन्होंने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए ओके क्रॉस वैलिडेशन एंड ऑल दिस थिंग्स दिसको लेकर उन्होंने बात करी है ठीक है तो यहाँ आप देखिए यानी नंबर ऑफ डिसीजन ट्री और जो है स्कोर्स और पता नहीं क्या क्या दूसरी ये एन जॉस भी इन्होंने मेंशन कर रखा है जो मैं बता चुका हूँ ठीक है तो भाई क्या है अपन इसको फोकस करें कि कौन कौन से पैरामीटर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो डेप्थ हो गया मिनिमम सैम्पल स्प्लिट्स तो ये बाय डिफॉल्ट होता ही है तो फॉलो अप करेंगे ही करेंगे हम बाकी भाई मैक्स फीचर्स कितने लेना चाहिए मुझे अगेन टू अवॉइड अवॉर्ड दिटिंग एंड टू मेक अ माई मॉडल एवरेज नॉट सिंपल नॉट कॉम्प्लेक्स ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड द नेक्स्ट इज बूट स्ट्रेपिंग बाई डिफॉल्ट ट्रू होता ही है स्कोर भी बताऊंगा जॉब्स ले सकते हो रैंडम स्ट्रेट आप कुछ दे सकते हो दैट्स इतना मेरे लिए काफी है ओके तो डिसाइड हो गया दैट वॉट हाइपर पैरामीटर्स आई कैन टेक

यहाँ uh, यहाँ पर उसकी मुझे थोड़ी सी मैथ्स भी बतानी है अभी रडना फॉरेस्ट की एट दिस पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू आर हैविंग टेन फीचर्स प्रेजेंट इन अ डेटा इसमें रोज कितने हाउ मेनी रोज आर देयर हाउ मेनी ऑफ द रोज आर देयर डेटा का साइज कितना है व्हाट इज द साइज ऑफ द डेटा दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट ओके फाइन एज्यूम 11000 समथिंग हां ओके सो सो द पॉइंट इज वट इज द साइज ऑफ द डेटा रोज भी बता दो आपने टेन फीचर बता दिए आप रोज भी ठीक है सर 11 रोज हो गया है पर यानी डेटा आपका बड़ा है टेन फीचर्स है और इलेवन थाउजेंड रोज है अब आप यहाँ सर हंड्रेड एस्टीमेटर्स को लेकर चलोगे तो सर ये टाइम लेगा सॉल्व होने में सीधी सी बात है इलेवन थाउजेंड रोज है टेन फीचर्स हैं तो सर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व इट ठीक है और ये आप मान के चलिए कि ओवरफिटिंग पर उस स्थिति में जा सकता है जब आप 10 की 10 फीचर कंसिडर कर लोगे ओके okay, तो भाई क्या करें हम व्हाट व्हाट व्हाट्स द बेटर आइडिया? एक काम करते हैं वी कैन कंसीडर द फीचर्स अब ये अपने आप सर एक थॉट प्रोसेस है हमारी कि वी कैन कंसीडर हियर 15 डिसीजन ट्री या तो हम ऐसा कर लें तो सर क्या होगा वोटिंग के अंदर मेरे को आसानी हो जाएगी वोटिंग वोटिंग में जैसे क्या होगा सर 10 10 डिसीजन ट्री ने एक दिया और और फाइव ने ये दिया मैं सर ऑर्ड कंसीडर कर रहा हूं, हूं।, mm -hmm. हूं। थोड़ी सी है में। मैं ये mm -hmm. नहीं कह रहा कि सर, टेन ले लो मान लो फाइव कुछ आ गए और फाइव कुछ आ गए आप क्या करोगे है ना, ना सर तो मैंने जान के फिफ्टीन करा लूंगा ट्वेंटी फाइव ले लूंगा इनको लेकर चलूंगा मैं हंड्रेड को लेकर नहीं चल रहा हूं तो फिफ्टीन ट्वेंटी ले लो आप ऐसा करो ठीक है तो दिस कैन गिव मी सम आइडिया कि क्या रिजल्ट आ सकता है ओके हंड्रेड लोग तो आप कितना कंसीडर कर सकते okay, तो क्वेश्चन ये आया सर कौन से हाइपर पैरामीटर के लिए इंपॉर्टेंट है तो भाई मैंने सब वो बोले जो मेरे को सॉल्विंग के अंदर कंसीडर करने पड़ेंगे रिजल्ट बेसिस पर मैं बात कर रहा हूं ठीक तो है तो नंबर ऑफ एस्टिमेटर इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम फीचर कितने लेना है ये इंपॉर्टेंट है डेप्थ कितनी लेना है ये इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया कौन सा लेना है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है अब ओ ओ भी, भी ले लो रैंडम स्टेड uh, भी ले लो नंबर ऑफ जॉब्स भी ले लो तो दो तीन और जोड़ दो यहाँ पर बस तो शुरुआत के जो दो तीन थे ये इंपॉर्टेंट थे बाकी तो फिर आप ले लो कि मैक्सिमम सैंपल लीफ कितनी होंगी वो भी वो तो टू होती है बाय डिफॉल्ट उतना ही रखना है तो बस सर शुरुआत के इतने काफ़ी हैं कभी भी मैं ट्यूनिंग दस या पंद्रह पैरामीटर पे नहीं करता मॉडल की मैं या पे करता हूं ट्यूनिंग इससे ज्यादा पे ट्यूनिंग नहीं करता हूं सबको कहां तक लेकर चलोगे आप वो सब इतना करते भी नहीं है। ये कंट्रीब्यूट करते हैं मॉडल के डेवलपमेंट में इन्हीं को लो आप ठीक इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक तो मैं कह रहा था रिग्रेशन की बात कर रहा था कि यदि रिग्रेशन ले लूं दिस इज रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर रिग्रेशन होगा तो एक चीज चेंज होगी बस वो है क्राइटेरिया बाकी सब सेम रहेगा इन केस ऑफ रिग्रेशन ऑल्सो क्योंकि रिग्रेशन में मैं एरर से डील करूंगा एमएससी, ओके सो दैट विल बी द क्राइटेरिया प्रेजेंट हियर टू सॉल्व अ डिसीजन ट्री ओके बाकी सब सेम है अब चेक कर लीजिएगा एस के लर्न रिग्रेशन का वेबसाइट ठीक है इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी एनी डाउट तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कोई इशू नहीं ठीक है तो हम यहाँ रैंडम फॉरेस्ट के जो हाइपर पैरामीटर मेरे पास नोटिफाइड थे लेकिन मैंने आपको अलग से पढ़ा दिए अब मुझे ओ बी समझाना है एक हाइपर पैरामीटर ओ बी आ गया वहां पे ओ ओ बी आउट ऑफ द बैग ये क्या लफड़ा है भाई आउट ऑफ द बैग वाला तो रैंडम फॉरेस्ट क्रॉस वैलिडेशन मेथड ये होती है मतलब रैंडम फॉरेस्ट खुद ही इतना होशियार है अभी बबन सर ने लिंक शेयर करा था एक ये ये कुछ ऐसा क्रॉस वैलिडेशन ग्रिड सर्च वाला लेकिन मैं आपको बता दूं रैंडम फॉरेस्ट खुद ही इतना होशियार है कि वो टेक्निक लगाता है ये वाली इंटरनली और आपसे मैंने ये कहा भी था कि डेटा को आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में करके ना दो रैंडम फॉरेस्ट को उसको तो डेटा पूरा की पूरा एक्स और वाई दे दो ट्रेन करने के लिए स्प्लिट मत करके देना क्योंकि इंटरनली वो खुद स्प्लिट करता है वो कभी पूरा डेटा नहीं लेता कंप्लीट सैंपल तो वो लेते वो तो सब सैंपलिंग करता है ना इंटरनल प्रोसेस उसकी यही है तो खुद ही पूरा डेटा नहीं लेता आप उसको स्प्लिट करके और दे रहे हो और पकड़ा रहे हो कि ले ले तो जरूरत नहीं है उसमें ये टेक्निक होती है सब सैंपलिंग वाली उसी उसी के आधार पे तो अपन ने रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा और उसमें ये चीज है ओबी स्कोर आउट ऑफ द बैग ये क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है जो फॉलो करता है रैंडम फॉरेस्ट यानी कि वन थर्ड ऑफ द सैंपल इज नॉट यूज टू ट्रेन द डेटा इंस टू एवेल्यूट द परफॉर्मेंस ये इंटरनली होता है रेडनम फॉरेस्ट में दीज सैंपल्स आर कॉल्ड एज आउट ऑफ द बैग तो जिसको वो ट्रेनिंग में कंसिडर नहीं करेगा उनको आउट ऑफ द बैग बोलेगा कि आप अभी बैग के बाहर हो जो ट्रेनिंग में यूज करेगा उनको बैग के अंदर बोलेगा इन साइड द बैग ये काम करता है रेडनम फॉरेस्ट ओके ओओ बी ठीक और भी इसके बारे में देखेंगे ठीक है अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज बताता हूं पहले ओ के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लू ठीक है और इसका मैथ्स भी मुझे बताना है यहां पर यह OOB आया ठीक मॉडल परफॉर्मेंस तो भाई जिसको कंसिडर नहीं करा उसी से ही तो टेस्टिंग करोगे उसी को तो वैलिडेशन मानोगे और जिनसे ट्रेन करा वो ट्रेनिंग डेटा था जिनसे नहीं करा वो आउट ऑफ द बैक थे ओके ठीक तो भाई ओ बी एरर कैलकुलेट किया जाता है खुद इंटरनली ये आप अलग से एरर की बात नहीं करें अलग से आप मॉडल को इवेलुएट करते ही आपका लफड़ा है रेंडम फॉरेस्ट खुद से ओ भी फॉलो करता है ओके यानी इट विल नॉट कंसिडर ऑल द डेटा पॉइंट कुछ को करता है और वन थर्ड को बाहर कर देता है और वो टू थर्ड को जो कंसिडर करता है उससे ट्रेन करता है और वन थर्ड से वैलिडेट करता है। ये काम रैंडम फॉरेस्ट करता है ठीक है फाइन अब क्या हुआ चीजें तो लिखी गई हैं बहुत सारी लेकिन मैं बता रहा हूं क्या है ठीक पहले थोड़ी सी मैथ्स पे भी नजर डाल लें फॉरेस्ट की फिर वो ओ भी फिर आएगा बाद में अलग तो बता चुके हैं आपको अस सपोज एन इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स प्रेजेंट विद यू आप बूट स्ट्रैप करते हो सैंपल क्रिएट करते हो ऑफ साइज एन बाय रैंडमली सिलेक्टिंग द डेटा पॉइंट फ्रॉम ओरिजिनल डेटा सेट विद रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट ये काम करते हो आप ठीक तो अब इसको मैं क्या मानू मेरे पास ये डेटा है ठीक फिर से समझने की कोशिश करें दिस इज द डेटा सेट अवेलेबल विद मी वन टू थ्री फोर फाइव फाइव फीचर है मेरे पास मैक्स फीचर्स फाइव है अभी कुछ देर पहले क्या बोला था हमने हाइपर पैरामीटर में क्या था मैक्स फीचर्स फॉर द बेस्ट स्प्लिट उसके लिए तुम या तो स्क्वायर रूट करो या तो तुम लॉग करो या नन करो बाय डिफॉल्ट स्क्वायर रूट होता है तो यदि ये बूट स्ट्रेपिंग कर रहा है यदि क्या कर ही रहा है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ फाइव करेगा एंड रिजल्ट विल बी 2.5 और जिसको मैं राउंड ऑफ करके थ्री बोल देता हूं मान लो तो इट विल पिक अप 3 फीचर्स एनी रैंडम थ्री फीचर्स इट विल पिक अप पॉइंट नंबर वन उसके बाद लेट अस सपोज अभी जैसे क्वेश्चन आया सर 10000 डेटा पॉइंट्स है मेरे पास 11000 डेटा पॉइंट्स है मेरे पास तो 11000 को तो नहीं लेगा भाई ये ये 2 लेगा वहां से कोई भी रैंडम 2/3 ले लेगा ले नहीं मान के चलो सेवन थाउजेंड डेटा पॉइंट लेगा ये तो सेवन थाउजेंड डेटा पॉइंट एंड थ्री फीचर लेगा कोई से भी वो यहां से उठाएगा उसका सैंपल बनाएगा लेट अस सपोज डी वन ये डेटा सेट बना ऐसे ही अलग अलग डी टू डी थ्री डी फोर अलग अलग सैंपल बनाएगा सब सैंपल्स क्रिएट करेगा इसी को अपन बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं और ये यहां पर लिखा गया It will create द bootstrap samples with विद रिप्लेसमेंट यानी कि कोई डेटा पॉइंट कोई रो यदि किसी सैंपल में आ चुकी है तो वो दूसरे में भी आ सकती है भाई जरूरी नहीं है और बाकी दूसरे में दूसरी भी आएंगे और ये भी आ सकती है ना विदाउट रिप्लेसमेंट वाली बात नहीं करी विद रिप्लेसमेंट तो मिला जुला के मिक्सचर होगा पूरा हिसाब किताब ओके ये चीज होती है बूट के अंदर Fine. Okay. तो अब अच्छा कोई हाँ, हाँ, सर सर यस yes. इसमें जो हम सैंपल्स डिवाइड करते हैं ये जरूरी है कि सभी में नंबर वो हाँ, चाहिए। आ, अच्छा ये क्वेश्चन और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हमें इसके बारे में उसने बोला नहीं कि नंबर ऑफ इक्वल होना चाहिए अभी ऊपर एक पॉइंट आया था की टू थर्ड ले लेता है वो और वन थर्ड को वैलिडेशन पे रखता है वो भी मैं पढ़ा सर अपन

ये कुछ और लिंक शेयर करिए ऑप्टून ऑप्टिमाइजेशन ओके यहाँ पर ओके okay. कुछ कोड वगैरह है इसके लिए अलग से टाइम निकाल के हम देख लेंगे right. okay, तो क्या हुआ मेरे पास सर ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए बात कर रहा था मैं okay, okay. जो उसे मतलब okay, आप कर लेता है जैसे या, हाँ, जो, okay. उसको एक डिशनरी वगैरह देना पड़ता है फिर वो अपने आप जो भी बेस्ट पैरामीटर है वो दे देता है

तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए सर आपने दो लिंक शेयर करी थी एक ये भी करी थी आपने ठीक है क्रॉस वैलिडेशन वाली ग्रिड सर्च एंड द क्रॉस वेलीडेशन ओके हाँ, एंड okay, अभी आपने ऑप्शन हाँ, भी करी है ओके तो सभी के लिए हाँ, वो, ठीक है इट विल हेल्प जो ये रेफरेंसेज आए हैं आप इनको प्लीज एक्सप्लोर करिएगा क्या दे रखा है ओके इंस्टॉल द लाइब्रेरी एंड ट्राई टू परफॉर्म द हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ठीक है वो ए, ऐसे ही अल्गोरिदम जो बड़ी अलगोरिदम्स हैं जहाँ पर इट विल टेक अ टाइम हो जाएगा काम आपका ऐसा बताया गया है जी सर कह रहे हैं कि जल्दी थोड़ा सा प्रोसेस होगा का ठीक है एनी वेस तो भाई मैं मैथ्स की बात कर रहा था आपने बूट स्ट्रेपिंग करा ये सारा काम हुआ देन फीचर रैंडमनेस यही तो बात है ना कि हाउ मेनी फीचर इट विल पिक फॉर सॉल्विंग ठीक तो जैसे अभी बोला ना एम इक्वल टू रूट एफ अभी मैंने बता दिया आपको बाय डिफॉल्ट स्क्वायर रूट करता है तो इफ यू आर हैविंग टेन फीचर्स प्रेजेंट तो स्क्वायर रूट ऑफ टेन कर देगा दिस मच फीचर इट विल पिकअप ओके फॉर द स्प्लिटिंग ओके इतने ले लेगा वो रूट ऑफ टेन और ट्रेनिंग कर करने के लिए देगा डिसीजन ट्री पर ये कर देगा ठीक अलग अलग बदल बदल के लेगा वो फीचर ऐसा नहीं कि एक ही जैसे अलग अलग बदल देगा क्योंकि तो तो अलग अलग डेटा पॉइंट्स विद रो रिप्लेसमेंट्स एंड डिफरेंट फीचर्स वो ऐसा कुछ पॉइंटर करके करेगा और देगा ट्रेनिंग के लिए अभी अंदर कैसे हो रहा होगा भैया ये उसका मैटर मैंने क्या बोला था कि मशीन लर्निंग मॉडल्स जितना समझ पाए उतना समझ लेंगे ठीक है बाकी वो पहली डिसेंट्री को शुरुआत के तीन दे रहा है अगली डिसेंट्री को आखिरी के तीन दे रहा है कौन से क्या दे रहा है भाई वो उसका मैटर है वो रैंडम पिकअप कर रहा है इट्स रैंडम सिलेक्शन ओके ये रैंडमनेस है वो बोल रहा है ना फीचर रैंडमनेस तो फीचर में भी रैंडमनेस और डेटा पॉइंट्स को सिलेक्ट करने में भी रैंडमनेस सब सैम्पलिंग में बूट स्ट्रेपिंग में ये हर जगह रैंडमनेस फॉलो कर रहा है तभी उसका नाम ही है ना रैंडम फॉरेस्ट और ये आपको मैंने शुरुआत में बोला था कि रैंडम फॉरेस्ट क्यों है ये नहीं तो यदि ये नहीं करता ये रैंडम वाली चीजें नहीं करता देन वो सिर्फ फॉरेस्ट एल्गोरिदम होती और इन्हीं के चक्कर में रैंडम फॉरेस्ट हो गया वो ठीक फिर अंसैम्बलिंग लगाता है right. जो भी आपको रिजल्ट दे रही है फाइनल प्रिडिक्शन जो दे रही है ठीक है आप अंसैंबलिंग करिए उनको एवरेज करिए प्रिडिक्शन का फ्रॉम ऑल द ट्रीज एंड वोटिंग करवा दीजिए एट द एंड दिस इज द वोट ओके इन द रेड फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन मॉडल विद डिसीजन ट्री द फाइनल फॉर एन इनपुट डेटा इज डिटरमाइंड डिटरिटी वोटिंग Take it. The class with the most votes. सर 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 वॉइस नहीं आ रही ऑडिबल ओके कैन यू सी माय स्क्रीन इसमें जो आर आर्ग, आर्गमेंट मैक्सिमम लिखते हैं हाँ. इसका मतलब क्या होता इसे किस तरीके से? हाँ. Sir, लिखी हुई है argument, तो आर्गुमेंट मैक्सिमैक् आर्गुमें, हाँ हाँ sir, क्या है कि ये पूरा एक लिस्ट बना रहा है जैसे मान के चलिए ओके okay, तो जैसे क्या हो रहा है इस इंडेक्स पर रिजल्ट इज वन इस इंडेक्स पर रिजल्ट इज जीरो इंडेक्स पर रिजल्ट इज वन इस इंडेक्स पर रिजल्ट इज वन तो सर ये इंडेक्स वाइज देख रहा है कि क्या है ओके देन इट इज कैलकुलेटिंग द समीशन की किन किन इंडेक्स पर जीरो आ रहा है उसकी काउंटिंग करो आप सो फॉर एग्जाम्पल थ्री पर जीरो आ रहा था एंड फाइव पर वन आ रहा था तो so, ये फाइव को बोल देगा यू आर सिलेक्टेड ये इसलिए आर एम एक्स लिया सर ओके ओके कोडिंग में अपन देखेंगे सर अभी तो सिर्फ एक सिंपल मैथ्स के तो फॉर्मेट में यहां पर बोला गया ओके बट विल चेक दिस थिंग इन टू द कोड ऑल राइट ये आएगा अपने पास मैं इंप्लीमेंटेशन पे करूंगा ओके एंड आउट ऑफ द बैग जो कि मैंने कहा गया ये एरर कैलकुलेटर फ्रैक्शन ऑफ मिस डेटा ओके okay, क्योंकि आपने क्या कर रखा था कुछ सैंपल्स को कुछ डेटा पॉइंट्स को आपने अलग से कंसिडर करा था वन थर्ड को एंड टू थर्ड से ट्रेनिंग करवा रहे थे ओके okay, तो जो भी मेरे मॉडल ने प्रोडिक्शंस करे हैं मैं उससे वैलिडेट कर लूंगा आउट ऑफ द सैंपल्स और मैं बोल दूंगा दीज आर द दी एरर्स तो उनका भी मैं एवरेज कर लूंगा एरर का कि कितना आ रहा है दिस इज वॉट हैपन्स ओके सर ये काम हो जाएगा फाइन तो आउट ऑफ द आउट ऑफ द बैग जैसे है आउट ऑफ द बैग क्या होता है कैसे काम करता है वाइल्ड बिल्डिंग अ डिसीजन ट्री इन अ रैंडम फॉरेस्ट आप क्या करते हो सैंपलिंग करते हो ठीक है तो द सैंपल्स दैट आर नॉट सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर ट्री उनको मैं आउट ऑफ द बैग सैंपल बोलता हूँ है ना सर ऐसा है ये यानी आप मान के चलिए आपके पास जो कंप्लीट डेटा है उसका टू थर्ड का ही सैंपल बनाते हो आप और जो लेफ्ट है वन थर्ड उसको आप ओ बोलते हो यूर सीइंग दैट इट इज आउट ऑफ द बैग ठीक है सर ये इतनी बात हुई है बस ठीक ठीक है सो दट मीन इफ यू आर हैविंग द डेटा ऑफ इलेवन थाउजेंड ओके रोस प्रेजेंट इन इट सो सेवन थाउजेंड या एट थाउजेंड यू आर कंसिडरिंग फॉर द सैंपल फॉर द ट्रेनिंग पर्पज एंड रस थ्री थाउजेंड या फोर थाउजेंड यूल बी कंसिडरिंग फॉर ओ बी फॉर द वैलिडेशन ये आपने नहीं करा ये रैंडम फॉरेस्ट खुद करता है इंटरनली तभी मैंने क्या बोला था आपसे कि डेटा को स्प्लिट करके मत दो इन केस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट डोंट स्प्लिट द डेटा गिव एक्स एंड वाई कंप्लीट वो इंटरनली ही स्प्लिट कर लेगा वैलिडेशन कर लेगा और एरर निकाल देगा ओके okay, यही होता है आपका ओबी आउट ऑफ द बैक ठीक बाकी और हम डिस्कशन करेंगे आगे ऑलराइट लेट मी स्टॉप शेयरिंग इट